हाँ इलेक्ट्रिक बाइक चार्ज होती है 50 किलोमीटर की, वो है मेरे पास वो भी। एक चार्ज है 50 से भी 50 से चार्ज। बधिर विद्यालय में आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पे जो कार्यक्रम विमंचन और ऊर्जा प्रेस क्लब द्वारा रखा गया है, क्या कार्यक्रम था और कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पे? जैसे कि आप जानते हैं आज विश्व दिव्यांग दिवस है और आज का दिन हमारे जो लाखों दिव्यांग भाई बहन हैं उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफों को महसूस करने का दिन है। सामान्य तौर पर आज का दिन जो मनाया जाता है वो कुछ सामान बाँट कर या कुछ चर्चा करके खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जब ये UN ने इसका चार्टर पास किया तो यूनाइटेड नेशन की और इस दिवस को मनाने वालों की मंशा ये थी कि इसको हम इस चीज़ को समझें, जो सामान्य जन है वो उस तकलीफ को महसूस करें, उस अधूरेपन का एहसास करें, इसके लिए आज का दिवस मनाया जाता है। और जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं वो सब डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ अपने जीवन को जी सकें और साथ में उनके राइट्स क्या हैं, उनको अधिकार क्या हैं, उनको बहुत सारे हक दिए हैं हमारे कानून में, उन सबको वो जान सकें, इसके लिए भी आज का दिन है। अभी जैसा आप जानते हैं अभी हम सब साथियों ने ह्यूमन चैन के डॉक्टर उर्मा कंवर जी हैं, ऊर्जा प्रेस क्लब के डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आशीष जौहरी जी और सभी साथियों ने, सारी टीम ने जाकर अभी मूक प्रवेश विद्यालय में अपने दिव्यांग साथियों से मुलाकात की। यहाँ हमारी दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष शकील भाई से मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों से शेयर की, बहुत सारी चीज़ें बताई। सरकार बनने के बाद 2017 में इनकी एक टीम गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने और बहुत सारी उन्होंने अपनी मांगें रखी थी, लेकिन वो मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई। हम लोगों ने उनको कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम आपके काम आ सकें, हम आपका साथ दे सकें और पूरी तरह से साथ देने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि जैसे एक उनकी बहुत एक मूलभूत मांग है कि दिव्यांगजनों को एक प्रॉपर पेंशन मिलनी चाहिए। अभी मात्र 500 रुपये महीना मिलता है, तो 500 रुपये महीने में कुछ नहीं हो सकता, आप भी जानते हैं। एक अच्छा अमाउंट मिले, कम से कम 5,000 रुपये का अमाउंट प्रति माह मिलना चाहिए दिव्यांग भाई बहनों के लिए। और इसके साथ साथ जो रोजगार के अवसर हैं, जो स्थानीय प्रशासन भी अपनी मदद करके उपलब्ध करा सकता है, कहीं टी स्टॉल खुलवाना है या कहीं पे कोई और अवसर उपलब्ध कराना है, तो नगर निगम और अगर जिला प्रशासन आपस में सामंजस्य बना ले तो कुछ साथियों को इससे रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, तो इसके लिए आगे प्रशासन से भी बात करी जाएगी। समाज में जिस प्रकार से दिव्यांगों को एक बड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है, ऐसे इसमें आप समाज को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अलग दृष्टि से देखने का विषय जो लोगों का है वो बहुत अच्छा विषय नहीं है, क्योंकि हमें संवेदनशीलता से देखना चाहिए और सभी उस ईश्वर की कृति हैं, सभी उसी के बनाए हुए हैं, किसी में कहीं अगर कोई कमी रह गई है तो उसको वो किसी हुनर से पूरा भी कर रहा है,